निछावर करेंगे, नहीं। मैंने तारीख में पढ़ा है हुजूर की बारगाह में खातून भी ऐसी आई, जब हुजूर जिहाद पर जा रहे थे, सहाबा की सफ़े लग रही थी, एक खातून 1.5 साल का बच्चा लेकर आई, कहा या रसूल अल्लाह इसको भी साथ ले जाए। 1.5 साल का बच्चा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, पूछा इसको क्यों लाई, कहती है मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर शहीद हो चुके हैं, ये 1.5 साल का बच्चा है, उसके अलावा मेरे घर में कोई नहीं। मदीने की खवातीन जब अपने जवानों को आपके साथ भेज रही हैं तो दिल बेकरार हुआ, मैं अपना ये बच्चा ले आई, क्या करेंगे इसका। खातून का ईमान तो देखो, कहती है मुझे पता है मेरा बच्चा तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन अपने मुजाहिद सहाबा के हाथ में इस बच्चे को दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। अपने बेटे को इस तरह निछावर करना किसी माँ के कलेजे से पूछो, कौन है जो अपने बच्चे को लाकर 1.5 साल की उम्र में हुजूर के कदमों में डाल दे। ये ईमान के आला दर्जे को पहुंचने के बाद ही कैफियत पैदा होती है। इसीलिए मेरे अजीजों, ईमान इसी का नाम है, ईमान इसी का नाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी से पूछा गया ईमान क्या है, तो आपने यही फरमाया अल्लाह की सर ता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।